अ डे इन द लाइफ ऑफ एन आम आदमी। एक आम आदमी की सुबह उसके छोटे से लगभग 12,000 स्क्वायर फीट के शीश महल में होती है, जो कि उसने दो बंगलोज और सीएम हाउस के 8 फ्लैट्स को मिलाकर बनाया है। गौरतलब हो, अब ये शीश महल प्रधानमंत्री आवास से भी बड़ा है, और हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री तो खुद आम आदमी के सेवक हैं, तो सेवक का घर तो आम आदमी से छोटा ही होना चाहिए। आम आदमी सुबह उठकर पहले अपने 12 करोड़ के मखमल के कालीन पर अपने पैर रखता है, और सूरज की पहली किरण अंदर लाने के लिए अपने 8 लाख के पर्दे को थोड़ा साइड करता है, और कुछ समय सूरज की फ्री किरणों के सामने बैठने के बाद अपने दैनिक कार्य में लग जाता है। खुद अपने पैरों से चल के 6 करोड़ के मार्बल टाइल्स पर चलकर लाखों की टॉयलेट सीट में बैठता है, और देश दुनिया के अखबारों में नजर डालता है, कहीं उसका विज्ञापन छूट तो नहीं गया। और फिर 4,000 रुपए के टॉयलेट पेपर से अपनी तशरीफ साफ करते हुए चाय की डिमांड करता है। लगभग 1.25 करोड़ के लगत से बनी किचन से उसके लिए 2 करोड़ की चाय और समोसे आते हैं। अब तक वो आम आदमी अपने पुराने घर और 200 से अधिक पेड़ की बलि देकर बनाए बने गार्डन में चाय के इंतजार में बैठा है। चाय की चुस्कियों के बीच में वो अपने मित्र, जो उसकी कारिस्तानियों की वजह से जेल गए हैं, उनका जायजा लेता है और उनके दुख दर्द को इग्नोर करके आगे चल पड़ता है। 1.1 करोड़ के इलेक्ट्रिक सिस्टम को हाथ लगाते हुए वो गीजर चालू करता है, और लाखों के कीमत वाले शावर से गिरते हुए पानी से खुद को साफ करने की एक नाकाम कोशिश करता है। नहाकर निकलने के बाद भी वैसे ही दिखने वाला आम आदमी अपने 1.41 करोड़ के वार्डरोब कलेक्शन से निकालकर फिर एक बार वही नीली शर्ट पहनता है, मगर और चेहरे में दोस्तों के जेल जाने का दुख लाने की कोशिश करता है। अब वो आम आदमी अपने शीश महल के हॉल में आ गया है, जहां उसने एक आदमी को 1.5 करोड़ देकर 12 करोड़ का इंटीरियर डिजाइन करवाया है। बड़ा दिल है ऐसे आम आदमी का, जिसने अपने शीश महल के लिए 45 करोड़ खर्च कर दिए, और फिर भी शाहजहां की तरह कारीगरों का हाथ नहीं काटा, बस जनता की जेब काटी। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस आम आदमी से इसके अपने ही लोग जलते बहुत हैं। इसीलिए इस आदमी ने अपने घर में 3 करोड़ का फायर फाइटिंग सिस्टम लगवाया है। घर से निकलकर अब ये आम आदमी अपनी करोड़ों की गाड़ियों के काफिले के साथ अपने 8 करोड़ के दफ्तर के लिए निकलता है, जहां बैठकर वो फिर से आम आदमी की जेब काटने की नई योजनाएं बना सके। ऊपर वाला ऐसी आम जिंदगी हर आम आदमी को दे।